ईमान की मिसाल, पंजाब के मंत्री ने शुक्राना मांगा, सीएम ने भिजवाया जेल, 66 दिन मंत्री रहते बनाई संपत्ति की भी होने लगी है जांच। आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सिंगला हर टेंडर के बदले 2% कमीशन मांग रहे थे। जैसे ही यह पता मान को लगा, मुख्यमंत्री ने ईमान की मिसाल पेश करते हुए पंजाब के मंत्री ने जो शुक्राना मांगा था उसकी तफ्तीश कराई और उसको बुलाकर फिर पूछा कि आपने कमीशन मांगा है या नहीं, हाँ और ना में उत्तर दीजिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हाँ मैंने टेंडर में कमीशन मांगा था। मंत्री को कर दिया गया बर्खास्त और उस पर चलाया जा रहा है केस। 66 दिन रहे थे मंत्री और उसकी संपत्ति की जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम राजस्थान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहां भ्रष्टाचारियों पर मेहरबानी ही होती दिख रही है, इसलिए राजस्थान में घूसखोरी को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। और आपको राजस्थान का एक पुराना किस्सा भी याद कराना चाहेंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डोटासरा, शिक्षक जो सम्मान समारोह राजस्थान के अंदर किया जा रहा था उसके अंदर पहुंचे थे, तो अचानक मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या आपको राजस्थान में स्थानांतरण करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो सभी ने हाथ खड़े कर कहा, हाँ देनी पड़ती है। और उस समय अजीबोगरीब स्थिति बनी कि शिक्षा मंत्री बंगले झांकने लगे कि आखिरकार फिर हमारे सामने ही मुख्यमंत्री ने क्यों पूछा। और मुख्यमंत्री जवाब सुनकर भी सन्न रह गए कि राजस्थान के अंदर शिक्षकों को रिश्वत देनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों पर मेहरबानी की बात कर रहे हैं तो यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घूसखोरी को यहाँ राजस्थान में कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया ही जा रहा है, क्योंकि समय समय पर IAS, IPS और अन्य अधिकारियों को ACB ने पकड़ा था। लेकिन रसूख को देखें या फिर पहुँच की बात करें तो इन IAS पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, उनको बहाल कर दिया जाता है, अच्छे मलाईदार पदों पर लगा दिया जाता है और कहीं ना कहीं ACB को कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राजस्थान सरकार की बात करें, उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए वह परमिशन सरकार के स्तर से नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार जब ACB कार्रवाई करती है और फिर बड़े मछलियों को पकड़ती है तो सरकार उनको बचाने के लिए क्यों लगी रहती है। और एक सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या राजस्थान के अंदर सभी मंत्री ईमानदार हैं। यह सवाल भी जनता के मन में चक्कर घूमी की तरह घूम रहा है कि आखिरकार राजस्थान में क्या कोई भी मंत्री इस प्रकार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। पंजाब के अंदर जैसे ही एक मंत्री के शामिल होने की पता चला तो मान मुख्यमंत्री ने अचानक तलाक से उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है। जनता यही कह रही है कि काश आम आदमी पार्टी की तरह है जैसे पंजाब और दिल्ली के अंदर पिछले समय के अंदर हो चुका है, ऐसा कारनामा अगर राजस्थान सरकार भी कर दिखाए तो कहीं ना कहीं जनता के मन में यह विश्वास जरूर जगेगा कि सरकार जो है भ्रष्टाचारियों पर मेहरबान नहीं है और घूसखोरी को बढ़ावा नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार पर जनता ऐसे ही आरोप नहीं लगा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि IAS नीरज कुमार पर 4 केस दर्ज हैं, फिर भी मलाईदार पोस्ट पर लगाया हुआ है। इसी प्रकार प्रदीप गावड़े अभी उच्च शिक्षा में संयुक्त सचिव हैं और वह भी घूसकांड में केस दर्ज हुआ था, लेकिन ACB ने इनका मोबाइल जब्त किया लेकिन आगे कुछ भी जांच में नहीं बढ़ा। वहीं IPS राजेश मीना जो कि अभी IG योजना के अंदर लगे हुए हैं, 9 साल पहले थानों से उगाही के मामले में IPS राजेश मीना को गिरफ्तार किया गया था लेकिन फिर भी प्राइम पोस्ट पर बे लगे हुए हैं।
इसी प्रकार आईपीएस लक्ष्मण गौड़ जो अभी आईजी प्रशिक्षण है, 2020 को घूस के मामले में दलाल को गिरफ्तार किया गया था, आईजी के नाम से थाने में रिश्वत की राशि एकत्रित करता था। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जिस पर राजस्थान सरकार कहें चाहे हम केंद्र सरकार कहें, दोनों की मेहरबानी रहती है। अभियोजन स्वीकृति आईसीबी को प्राप्त नहीं होने के कारण बेमड़ाईदार पदों पर लगे हुए हैं। इसीलिए जनता यह आरोप लगा रही है कि क्या राजस्थान के अंदर मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, क्या यहाँ पर इस प्रकार मलाईदार पदों पर लगाना और घूसखोर को बढ़ावा देना क्या राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। यह सवाल सभी के मन के अंदर उभर कर सामने आता है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार की तरह क्या गहलोत सरकार आने वाले दिनों में कोई इस प्रकार के कदम उठाती है या फिर इसी प्रकार भ्रष्टाचारियों पर मेहरबानी करने का काम चलता रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।